मेरा आज का वीडियो डेडिकेटेड है डाई हार्ट चाय लवर्स के लिए, और यही चाय पहाड़ों में मिल जाए तो उसका तो मज़ा ही कुछ और है। तो चलिए आज आपको रूबरू करवाते हैं चाय के बगानों से, जो कि पालमपुर हिमाचल के एक खूबसूरत हिल स्टेशन की शान है। नमस्कार, मैं हूँ पायल अवस्थी और आप देख रहे हैं पहाड़ी मिट्टी के साथ शोभला हिमाचल सीरीज। तो आज की इस सीरीज में हम आपके लिए लेकर आए हैं टी गार्डन्स, जो कि पालमपुर की एक बहुत ही फेमस टी है। तो आज हम आपको लेकर आए हैं वाटी एस्टेट में, जो कि पालमपुर का एक छोटा सा विलेज है पट्टी। यहाँ मेरे नानी के घर भी हैं पास में ही, तो वहाँ पे हम आपको लेकर आए हैं। ये इसकी मेकिंग कैसे होती है वो हम आपको अंदर फैक्ट्री में चल के दिखाते हैं, अगर उन्होंने अलाउ किया तो। तो इनको हम जो बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं, हम इसकी ये जो छोटी सी कोंपलें होती हैं इनको प्लग करते हैं, जो भी जितनी भी टी गार्डन है उनके सबकी छोटी छोटी कोंपले करते हैं। ये जो इसकी बेस्ट होती है वो अप्रैल मंथ में जो हम इनको लेते हैं वो सबसे बेस्ट होता है इनका। फिर हम इनको लेके जाते हैं घर पे, छांव में रखते हैं, फिर उसके बाद अगले दिन हम इसको मसलते हैं जब तक कि इससे जूसेस ना निकल जाएं। जब इससे एक ब्लैक कलर का और ग्रीन कलर का पानी निकलना शुरू हो जाता है, फिर उसके बाद हम इसको धूप में सुखाते हैं 2-3 दिन के लिए। तो इस तरह से हमारी अपनी घर की ऑर्गेनिक टी बनती है। बाकी यहाँ फैक्ट्री में कैसी बनती है वो हम आपको अंदर चल के दिखाते हैं, तो चलिए हमारे साथ। तो चलिए पहले जान लेते हैं कि आखिर चाय आई कहाँ से और ये बनती कैसे है। अब आपको पुनीत शर्मा जी चाय के बारे में कुछ बताएंगे, जो कि हमारे आज के गाइड हैं। चलो भैया बताएंगे अब आपको हिस्ट्री। तो सबसे पहले जो चाय हमें पता है अराउंड अबाउट 4500 to 5000 years ago चाइना से शुरू हुआ। चाइना में एम्परर थे शेनोंग, एक दिन वो बीमार पड़ गए। उनको बहुत कोरस्टी होती थी कि कुछ ना कुछ पत्ते चबाते रहते थे, तो आसपास गया उसने कुछ पत्ते चबाए, उसको टेस्ट बिटर लगा लेकिन ही गॉट रिलैक्स्ड, उसको अपनी बॉडी में काफ़ी अच्छा महसूस हुआ। वन वर्जन ये बताया जाता है, सेकंड कहा जाता है कि वॉज कमिंग बैक फॉर समवेयर, कहीं से आ रहा था वो, पेड़ के नीचे बैठ गया, पानी उबाला उसने, कुछ पत्ते आके उसमें गिर गए, उसने फिर से वो पानी पिया, फिर से उसको टेस्ट ज़्यादा अच्छा नहीं लगा लेकिन बॉडी में उसको काफ़ी अच्छा महसूस हुआ। फिर उसने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। जो इन्वेस्टिगेशन के लिए टर्म यूज़ होती है चाइना में वो होती है CHA, अच्छा वहीं से जो ये वर्ड नाम है चाय वहीं से चलता है। USA चले जाओगे, UK जाओगे, आप चाइना जाओ, वहाँ पे यही कहा जाता है चाय बोला जाता है। हाँ। तो वो नाम वहीं से शुरू हो गया। अब बात आती है कि इंडिया में ब्रिटिशर जब उनको किसने बताया, अर्लियर 16th century में डच थे जिन्होंने सबसे फर्स्ट इम्पोर्ट करी चाइना से चाय, उन्हें ब्रिटिशर को बताया। धीरे 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 उनको टेस्ट काफ़ी अच्छा लगने लगा, उनको कंजम्पशन ज़्यादा, डिमांड ज़्यादा बढ़ने लगी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने किया कि अब हम करते हैं कि चाइना की मोनोपोली को ख़त्म करते हैं, अपनी कल्टिवेशन यहाँ शुरू कर देते हैं। तो चक्कर में उन्होंने अपने स्पाई भेजे चाइना, पहले वो 80,000 सीड लेके आगे चुरा के, करी कोशिश नहीं हुआ। देन इसी चक्कर में इन्वेस्टिगेशन करते करते इन 1820 और 1825 के बीच असम में रॉबर्ट ब्रूस थे, उनको कुछ प्लांट्स मिले, प्लांट बुशिंग मिली लेकिन वो ज़्यादा नहीं थी, सिर्फ वो उसी रीजन में थी। देन आफ्टर दैट इन 1848 रॉबर्ट फॉर्च्यून वो चाइना गए, उन्होंने 3 साल वहाँ बिताए, उसने पूरा इन्फॉर्मेशन पूरा अपने ब्रेन में बिठा लिया, क्या क्या चीज़ होती है पूरा स्टडी करा, और साथ में वो स्पाई करके लेके आ गया 20,000 bushes प्लस 80 workers। फिर उसने प्लांटेशन करी दार्जिलिंग और आसपास, तब से हम बोलते हैं जो रॉबर्ट फॉर्च्यून है उसने चाय का फॉर्च्यून चेंज कर दिया। रॉबर्ट फॉर्च्यून नोन एज अ चाय चोर, उसको चाय चोर कहा जाता है। अब बात आती है कि हिमाचल जो कांगड़ा वैली वहाँ कैसे आई चाय, डॉक्टर जेम्सन थे 1949 में उन्होंने विजिट किया यहाँ पे, उनको लगा यहाँ का क्लाइमेट एनवायरनमेंट जोरल कंडीशन बहुत ही अच्छी है सीड प्लांट सीडिंग के लिए। फिर 1852 में फर्स्ट प्लांटेशन हुई थी पालमपुर के होल्टा जो आसपास है वहाँ पे फर्स्ट प्लांटेशन हुई थी, और जो ये वाटी एस्टेट है इसकी जो प्लांटेशन हुई है वो कब सेटअप हुआ है, ये 1857 में सेटअप हुआ। उसके बाद कांगड़ा टी ग्रो कर रही थी, काफ़ी ग्रो कर रही थी 1900 तक, तो ये वन ऑफ द बेस्ट टी इन द वर्ल्ड। एम्स्टर्डम में कन्वेंशन हुए थे जहाँ पे इन्हें सिल्वर और गोल्डन अवार्ड्स भी मिले थे, लेकिन हुआ क्या 1905 में अर्थक्वेक अकर्ड, बहुत डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक था, ब्रिटिशर छोड़ के चले गए, कुछ एस्टेट लोकल्स ने ले लिए, और जो ये वाटी एस्टेट है ये ले लिया पाकिस्तान में एक जगह थी वाह
उसके नवाब थे वो, उन्होंने नहीं लिया, सर सिकंदर हयात खान उन्होंने इसको ले लिया। तो जो ये नाम जो आपको वाह है वो वहीं से चल पड़ा है। 1947 में इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, वो पाकिस्तान वापस आ गई और जो एस्टेट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ले लिया। फिर 1953 में ऑक्शन हुआ, जहाँ पे इस ऑक्शन में जो टी प्लांटर्स फैमिली, चाय वाला फैमिली बोलते हैं, उन्होंने इसको ऑक्शन में खरीद लिया। और जो राइट नाउ अभी जिनको चला रहे हैं थर्ड और फोर्थ जनरेशन है, मिस्टर दीपक प्रकाश है, मिस्टर सूर्य प्रकाश, साथ में सूर्य प्रकाश जी की वाइफ उपासना, वो उनको सब चलाते हैं, वो थर्ड और फोर्थ जनरेशन है। टोटल 526 एकड़स में वहाँ टी एस्टेट फैला हुआ है। 526 एकड़स, ये हिमाचल का प्लांटेशन वाइज लार्जेस्ट। पर एनम हमारा है 1.5 लाख kg, हम आउटकम आउटकम आ जाता है। अब जो ये आपको प्लांटेशन दिख रही है, एक देखोगे आप प्रॉपर लेवल है, प्रॉपर लेवल बिल्कुल ले रहे हैं एक लेवल पूरा। ये क्यों होता है, जब प्लकिंग के लेबर अंदर जाती है, अगर ये प्रॉपर लेवल नहीं होगी, ऊंची नीची होगी, तो कभी ऊपर हो रहा है कभी नीचे हो रहा है, शाम तक तो पेट की तो बैंड बचेगी। तो बेटर क्या होता है, इसको एक लेवल कर दो, प्रॉपर हाइट मेंटेन रखो, पीछे टोकरी होती है उसको बस आराम से प्लग करते रहो, और वन कैन ईजिली गो थ्रू। हमें ऊपर से लगता है हम अंदर जा नहीं पाएंगे, लेकिन ये जगह खाली होती है, आसानी से जा सकते हैं। अब बात आती है कि शेड के ट्रीज क्यों होते हैं, ये होते हैं शेडिंग के लिए। अगर ज़्यादा गर्मी हो तो हमारा जो पत्ता ये हीटअप हो जाता है, ब्राउनिश हो जाएगा, तो ये शेड का काम करते हैं। अगर शेड ज़्यादा हो जाए तो एज अ टिम्बर हम इसको यूज़ कर लेते हैं वुड फर्नेस के लिए, तो ये काम हो रहा है। सेकेंड, जो भी आप टी गार्डन देखोगे हल्का से स्लोप में होता है, सो दैट पानी स्टैग्नेंट ना हो, पानी खड़ा हो, पानी बहता रहता है। दो तरह की चाय होती हैं, बुशी दो तरह की होती हैं। वन एक चाय होती है CTC, CTC मींस क्रश टियर एंड कर्ल, जो दूध वाली चाय होती है, जो ग्रैनुल्स बनते हैं उसकी मशीन भी अलग होती है। और जो हम यहाँ बनाते हैं दैट इज ऑर्थोडॉक्स ग्रीन एंड ब्लैक टी, जो पारंपरिक तरीके से बनाई जाती है, ग्रीन और ब्लैक टी। अच्छा, मतलब यहाँ पे वो वाली नहीं बनती जो चाय में हम दूध वाली पीते हैं। वो नहीं बनती। अच्छा, हम जो बनाते हैं ना वो ऐसे हाथ से मसल के और उससे बनेगा, वो तो दूध वाली होती है, मतलब हम ग्रीन वाली नहीं बनाते वो। अब ये चाय बनते हैं, दो तरह की बुशीज होती हैं, वन इज कैमेलिया असामिका, जो असम में बुश थी, अदर वन इज जो आपको यहाँ दिख रही है कैमेलिया साइनेसिस। दार्जिलिंग हो गया चाहे असम हो गया, आपकी चाय इसी से आती है, इसी साइनेसिस बुश से आती है। ये आपको इसके ये देखते हैं सीड्स, इससे हम निकालते हैं कैमेलिया सीड ऑयल, कैमेलिया साइनेसिस सीड ऑयल। एक टी ट्री ऑयल आता है, लेकिन उसका टी ट्री का बुश अलग होती है। अच्छा। ये कैमेलिया साइनेसिस सीड ऑयल है। अब प्लकिंग, सबसे फर्स्ट आती है प्लकिंग, क्योंकि प्लकिंग बहुत ज़्यादा नेसेसरी होती है। प्लकिंग में जल्दी डिकाउंट यहाँ पे आपको दिखाई देगी, आपको दिखाई पता होते हैं। हाँ, अब ये ग्रो के जो होते हैं, अब ये ग्रो हो रहा है, टू लीफ वन बड, ये जनरली 1-3 लीव्स आती है, नीचे से तोड़ देते हैं इसको। ये जो दिख रहा है आपको अंदर बड, YT66 इसी से बनती है। अच्छा, अब एक्सपेंसिव क्यों है, क्योंकि अगर लेबर लोग को लगा दो, मान ली लेबर को लगा, कितना तोड़ लेगी, मैक्सिमम 0.5 kg, 1 kg, बहुत ज़्यादा 1 kg, तो टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा है। अच्छा, वाइट टी जो है वो सिर्फ एक ये जो पार्ट है इससे बनती है, इसी से बनती है, बीच वाला जो बड है। और इन्हें को इसलिए तोड़ा जाता है क्योंकि जो एंटीऑक्सीडेंट्स और जो भी प्रॉपर्टीज होती हैं, कंसंट्रेशन मैक्सिमम यहीं पे होती है, तभी इसी को तोड़ा जाता है। अगर हमने ये आज तोड़ लिया तो 7 दिन बाद फिर से आ जाती है, और मानसून में ये 5 दिन बाद ही आ जाती है। अप्रैल टू अक्टूबर सीजन चलता है, फर्स्ट प्लस अप्रैल में ही बेस्ट क्वालिटी, देन जो अभी चला हुआ है सेकेंड, उसके बाद आएगा हमारा मानसून का लास्ट ऑटो मंथ। अक्टूबर के बाद मशीन्स की रिपेयरिंग, साथ में प्लांटेशन की भी पूरा देखभाल, ये चीज़ होती है। साथ में टेम्परेचर बेस्ट 30-35 degrees, लेकिन उसके साथ जो मेन चीज़ है प्रॉपर रेनफॉल, क्योंकि इरिगेशन का कोई साधन नहीं है, सिर्फ हम डिपेंडेंट हैं रेनफॉल के ऊपर, मतलब ड्रॉट भी आ सकती है। इस बार बरसात हुई नहीं, इस बार नहीं हुई, इस बार तो अभी नहीं हुई, जनवरी से हुई नहीं रही है, जनवरी से पिछले से नहीं हुई, मानसून से नहीं हुई, विंटर्स में नहीं हुई, वो सारा प्रोसेस अब एक तरह से सोच सकते हैं कि अभी प्रोसेस 70% लेस प्रोडक्शन है। यहाँ से पूरा हम चाय तोड़ के ले आते हैं, जब हम माना चाय तोड़ के ले आए, माना कि 100 kg तोड़ के लाते हैं, उससे सिर्फ बनती है 25 kg, क्योंकि 100 kg तोड़ने में 25 kg बनती है, 25 kg बनती है, क्योंकि क्या होता है इसमें मॉइस्चर होता है, 80% मॉइस्चर ही होता है, तभी वो इतना वेट। मतलब अगर हमारा 1.5 लाख हमारा लास्ट तक बन रहा है, तो कम से कम 9 लाख तक, 8-9 लाख kg तक थोड़ी पत्ती चाहिए।
और सारा ये लेबर मैन फोर्स आई होती है। हाँ, मशीन नहीं लगती। मशीन का कटिंग मशीन के थ्रू भी करते हैं, लेकिन मशीन क्या करेगी, वो सब कुछ काट देती है, तो छांटना थोड़ा मुश्किल होगा। ओके, और इसकी लाइफ कितनी, क्वालिटी डाउन हो जाती है। लाइफ कितनी एक प्लांट की, लाइफ जर्नी आप 50 इयर्स तक रख लो नॉर्मली। अब फैक्ट्री में चाय कैसे बनती है उसके प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कर देते हैं इसमें चाय पत्ती डाल देते हैं, फिर इसको हाथों से स्टीर करते हैं, टेम्परेचर मेंटेन कर देते हैं, हाथों से स्टीर कर देते हैं 20-25 मिनट तक। ये चीज़ होगी हैंडमेड ग्रीन टी के लिए। और अगर वो रोस्टर है, रोस्टर ये जितनी पट्टी दिख रही है ना आपको, ये रोस्टर है, इसमें 200 kg एक बार चल जाती है चाय, अंदर से पूरा घूमता है, आप देख सकते हैं। अगर इसमें घूमता है एक साथ रोटेट करता है। ये क्यों होती है, ग्रीन टी होती है अनऑक्सीडाइज्ड। हम क्या करते हैं, जो एंजाइम जो ऑक्सीजन करने की कोशिश करेंगे हम उनको गेटअप करके मार देंगे। ये ग्रीन टी के लिए फर्स्ट प्रोसेस है। फर्स्ट प्रोसेस है विदरिंग। इसमें पत्तों के मॉइस्चर को निकाल दिया जाता है। ये है पंखे जिनसे एयर पास की जाती है। सेकेंड प्रोसेस है रोलिंग। इसमें विदर्ड लीफ को रोलर में डाल दिया जाता है ताकि जूसेस बाहर आ सके। थर्ड प्रोसेस है फर्मेंटेशन। ये ब्लैक टी में ब्लैकनेस लाने के लिए करते हैं। फोर्थ प्रोसेस है ड्राइंग। इसमें पत्तों में बचे मॉइस्चर को ड्राई किया जाता है। फिफ्थ प्रोसेस है सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग। इसमें साइज के हिसाब से चाय के पत्तों की ग्रेडिंग की जाती है और अलग अलग करके पैक किया जाता है। अब चलेंगे हम चाय की टेस्टिंग की तरफ। जने टेस्टर्स क्या करते हैं, वो पूरा उठाते हैं यहाँ से जो टेस्टिंग है, स्लर्स जितने जोर से हो सके, सो दैट के टंग के रिसेप्टर के साथ पूरा टच हो। स्पिरिट्स क्यों करेगा, क्योंकि उसको तो पता नहीं कितनी टेस्ट करनी है शाम तक पूरी चाय उड़ के। ये हैंडमेड है, ये कश्मीरी कहवा है, ये मैं ट्राई करती हूँ। ये है अर्ल ग्रे ब्लैक टी, नॉर्मल ब्लैक टी, रोज टी एंड मसाला टी। तो अभी मैंने डाली है मिंट ग्रीन टी, मैं इसको टेस्ट कर रही हूँ। नाइस, बट आई गेस तुलसी वाली ज़्यादा बेटर थी। ये क्या पिया आपने, कश्मीरी कहवा। कश्मीरी कहवा तो मुझे ठीक लगा था। अच्छा है, मतलब यार ये तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे चीनी चूनी भी डालने की जरूरत नहीं है। हाँ, रात पड़ जाए तो बस गर्म पानी किया। हाँ, वेरी गुड फॉर हेल्थ। आपको बुरा जा रहा है तो शहद डालो। शहद, हाँ, ऐसा कुछ ऐसा मुझे फील नहीं होती अगर बंदे वाले पड़ जाए तो। हाँ, हम तुलसी वाली जो पीते हैं उसमें भी तो हम हनी डालते हैं ना, मसाला टी। अच्छी है, डिफरेंस पता चल रहा है किसी में कुछ, थोड़ा सा बस ये पता चल रहा है मिंट में थोड़ा पुदीने का फ्लेवर है, फिर तुलसी में थोड़ा तुलसी का फ्लेवर है। और ये है इनके डिफरेंट पैकिंग में फाइनल प्रोडक्ट्स। इसी तरह चाय की चुस्कियां लेते हुए हमारा आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, जुड़े रहिए मेरे साथ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। बाय बाय, सेव माउंटेन्स एंड सेव मदर नेचर।